वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ गुंजन को लेने के लिए। मैं सुबह जल्दी निकल गया, लगभग अभी टाइम है 5 बजे का, क्योंकि इसके बाद ना मुझे जैसे मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मुझे जल्दी सुबह हमने राजपुरा के लिए निकलना है। आज मुंडन है गुंजन की सिस्टर के बेटे का, तो बस अभी निकल गया हूँ घर से। तो मैंने सोचा कि जो आज का व्लॉग शुरू करता हूँ वो स्टार्टिंग से ही शुरू कर देता हूँ। तो चलिए कितना अच्छा लग रहा है, झंडा लहरा रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, वाह जय हिंद। ये सब देख के ना देशभक्ति की भावना और ज़्यादा हो जाती है। तो गाइस सुबह होगी हल्की हल्की। एक्चुअली मैं अर्ली मॉर्निंग ट्रैवलिंग बहुत कम की है, तो आज ना मज़ा आ रहा है सुबह की ट्रैवलिंग का, और लॉन्ग ड्राइव ही होगी ये भी। और अभी गुंजन को मिले भी बहुत दिन हो गए हैं, लगभग आज हम मिलेंगे 25-26 दिन के बाद, तो मेरी तो हंसी छूटने वाली है। मैं उसको जब भी बहुत दिनों के बाद मिलता हूँ ना, उसको देख के ना हंसी छूट जाती है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली हर बार ही होता है मेरे साथ ऐसा। और मैं सोच रहा था कहीं रास्ते में रुक के चाय वाय पीऊँ, क्योंकि मौसम अच्छा है, सुबह का टाइम है, और देखता हूँ अगर कहीं कुछ मिला तो। अब मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया कुरुक्षेत्र, 2.5 किलोमीटर रह गया, तो आज मिलते हैं गुंजन से बहुत लंबे अरसे बाद। एक्चुअली क्या हुआ कि गुंजन इतना टाइम रहे, बहुत टाइम बाद इतने टाइम के लिए गई है, नहीं तो वही होता था 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता। इस बार थोड़ा सा था कि लॉकडाउन की वजह से वो गई बेचारी 8 महीने के बाद है। आ गए हम कुरुक्षेत्र। पहुंच गया, गुंजन को बोला है कि अभी गेट खोल दे। जो गेट खुला हुआ है और ऑलरेडी हेलो, कैसे हो तुम? बढ़िया। कितना चला? 5:30। हेलो गाइस, कल क्या हुआ, कल जब मैं पहुंचा था थोड़ा लेट हो गए थे, तो जल्दी जल्दी मैं निकल गए, तो वीडियो वहाँ की नहीं बना पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। तो आज मैं थोड़ा सा हम घूमते हैं कुरुक्षेत्र में, तो अभी हम जा रहे हैं धरोहर, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, तो आपको मैं कल लेके चलते हैं। ये गुंजन बैठी हुई है साथ में। और बताइए कैसे हैं आप लोग? काफी टाइम बाद कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। बहुत लंबे टाइम बाद जा रहे हैं कहीं, तो आपको दिखाते हैं कि हम फ्रेंड। क्या हुआ कि हम गए थे यूनिवर्सिटी में, बट वहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं थी। जहाँ पे हमने घूमना था वो जगह ही बंद थी, पनोरमा नहीं धरोहर। यूनिवर्सिटी में एक जगह है धरोहर, कोविड की वजह से वो बंद पड़ी हुई है। तो फिर मैंने कहा यूनिवर्सिटी में क्या करना, घूम फिर के, मेन तो जिस जगह में जाना था वो क्लोज है। तो अभी हमने सोचा आगे चलते, एक जगह और है यहाँ पे ज्योति सर के नाम से, वहाँ पे जाके दिखाते हैं कुछ, अगर वो भी क्लोज ना हो, पता नहीं अभी, क्योंकि मैंने अभी सर्च किया नेट पे तो उसमें दिखा रहे हैं कि कृष्ण संग्रहालय भी क्लोज है, पनोरमा भी क्लोज है, और सिर्फ ब्रह्म सरोवर खुला हुआ है शायद। ब्रह्म सरोवर ओपन है, ज्योति सर का काफी ओल्ड मंदिर है। और यहाँ पे एक फोन टेम्पल भी एक है, नया बन रहा है, तो यही है दिखाना। अभी देखिए आप तो आपको यहाँ पे भी लेके चलेंगे,
देखते हैं अभी, पता नहीं कि खुला या बंद है अभी, तो मैं अपना अंदाजा लगा रहा हूँ कि आपको लेके चलेंगे, तो देखते हैं क्या होता है आज। घूमने का प्लान तो बनाया था बट अब क्या कर सकते हैं। पहले हम गए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्लोज, वहां से आए, फिर हम गए ज्योति सर मंदिर, वो क्लोज, वहां से आए, फिर हम गए संग्रहालय, वो बंद, फिर मैंने कहा यार पहले हम सर्च करते हैं ऑनलाइन कि क्या क्या खुला हुआ है, तो पता चला कोविड की वजह से सब कुछ बंद है कुरुक्षेत्र में, सिर्फ ब्रह्म सरोवर ओपन है, तो वहां हम जाएंगे आज शाम को। तो यहाँ से हम निकल रहे थे तो एक खेत आ रहा था रास्ते में, हमने कहा यहाँ पे चल के कुछ शूट करते हैं, ज्योति सर गाँव है ये कोई, और यहाँ पे ये नहर चल रही है, तो मन तो जा कर रहा है मेरा नहाने का, पर ना यहाँ वो पौड़ी वोड़ी नहीं है जिसे जाके हम थोड़ा पानी वानी को टच करें सीधा, अगर यहाँ से जाएंगे तो नीचे ही जाएंगे सीधा, और बाकी जो सोचा था वो तो नहीं हो पाया। चलो दोबारा कुरुक्षेत्र जब आएंगे तब पूरा शूट करेंगे कुरुक्षेत्र का, और अभी हम हैं ज्योति सर गाँव में, अच्छा गाँव है, हरियाली हरियाली हर जगह, ये देखिए एक साइड खेत और है एक साइड पानी, और तो फ्रेंड्स हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे, अभी जाने का मन नहीं कर रहा पर घर जाना है, कुछ सिंपली हमने किया कुछ नहीं बट जो नेचर था ना उसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। अभी घर जा रहे हैं तो अभी शाम को जाएंगे ब्रह्म सरोवर, तो आपके साथ वहाँ पे हाँ आपको आज ब्रह्म सरोवर की आरती दिखाएंगे, वहाँ पे बहुत मजा आता है बहुत ज्यादा, हाँ और पूरी प्रॉपर आरती होती है। अभी वैसे कोविड में होती होगी, मेरी होती है शायद, वो पता चल रहा टाइम पे। तो चलो आपको दिखाते हैं शाम की आरती, तो आपको मिलते हैं शाम को आज। तो यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था पर जाना तो पड़ेगा, कब तक बैठे रहेंगे, धूप भी तेज हो गई थी, तो अभी हमने सोचा है कि शाम को आपको दिखाएंगे आरती का व्यू ब्रह्म सरोवर में, पूरी प्रॉपर आरती होती है, और अभी हम मॉल चले हाँ। अभी हम यहाँ पे केसर मॉल है वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं, तो आइए आपको साथ लेके चलते हैं। तो मेरे मामा के पास कुछ ऐसा था तो हम लोग बैठ के आते थे इसको, इसमें बैठने का ना बहुत 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 मजा आता है, और मैं भी शायद बैठी हूँ इसमें। ये देखते हैं ये बैल है, आगे क्या है, बैल वो है बुफेलो है, जो उनके पास था वो बैल होता था, बैल वो होता है जो काऊ का हस्बैंड होता है, ये है भैंस का हस्बैंड नहीं सही में वो बैल अलग होता है, ये भैंसा है ये, हाँ ये झोटा झोटा कहता है इसको हिंदी में। तो अभी हम जा रहे हैं केसर मॉल, तो गाइस ये है कल्पना चावला प्लेनेटोरियम, यहाँ पे क्या होता है गुंजन वो शो सा चलता है ना कुछ, हाँ, यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट नहीं होते हाँ। उनका पूरा दिखाते हैं कि वो उनको जाने के लिए क्या क्या मतलब कौन सी डिफिकल्टीज से या सारा उनका टेस्ट वगैरह सब होता है, कैसे जाते हैं वो, तो ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज्यादा अच्छी जगह है, बट ये क्लोज है कोविड की वजह से भी नहीं जा सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ, ये नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे यहाँ का, यहाँ के बारे में बहुत अच्छी जगह है। चलो चलो हम केसर मॉल जाने वाले थे पर क्या हुआ वहाँ पे रश था और थोड़ा सा
वो एंट्री वेंट्री कुछ ज़्यादा ही सिस्टम था उनका। तो फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया, यहाँ पे शेख चिली टॉम है ये ओपन था, तो हमने कहा चलो यहाँ पे चलते हैं। भूतिया भूतिया सा लग रहा है ना ये बहुत पुराना होगा। राधे राधे, हम तो टॉम में कहेंगे राधे राधे। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर है। क्या चीज, घूम मत जाना तुम, कुछ होगा इनका यार। ये तो खतरनाक सा लग रहा है, कहीं अभी कोई चमगादड़ उड़ती हुई आए, स्मेल आ रही है। तो हम आ गए हैं शेख चिली टॉम, वाकई में यार सुंदर है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये। म्यूजियम है तो यहाँ पे जाके देखते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है। तुम यहाँ पे बैठगी? ये स्टोन्स वगैरह हैं पुराने जमाने के, ये वो होगा ना जैसे पीते हैं पानी वानी, शरबत दारू और क्या। देखो हाथी के दांत, नहीं चूड़ियां है ये, क्या कुछ है ये, है इस पे लिखा ना बैंगल्स। ये सामने एक शैतान भी है। अरे वाह, गणेश जी कितने अच्छे हैं। ये शैतान, शैतान होगा भी कोई पुराने जमाने का कुछ होगा। ये क्या है? ये तो कोई वो है ना जैसे शिव जी का कोई कुछ होगा रूप। बढ़िया यार, अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। अभी आपको मेन जगह लेके चलूंगा, वो ऊपर जाके है, वो आपको वो दिख रहा होगा, उसके नीचे एक मस्जिद है, पहले हम वहां चलते हैं। थक गए तुम? ये पीछे कोई दरगाह है टाइप है कुछ, आज थर्सडे है ना। ये देखिए कबूतर बहुत है यहाँ पे, आपको वहां से दिखाते ना वो जो बाहर वाला बहुत अच्छा दिखता है। अरे वाह, ये सुंदर बिल्डिंग है, ये जो हम अपने गांव में गए थे ना। हाँ नीचे, अच्छा ये उसके ऊपर का है, अपर पोर्शन। ओके, अरे वाह, कितने कबूतर है यहाँ पे। वाह, व्हाट अ व्यू, यहाँ काफी है, ये हाइट पे है काफी, हवा भी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों सच में ऑसम जगह है, मेरे घर के तो बिल्कुल पास है, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है घर का,
और वाह क्या सीनरी है भाई। बहुत बार आया बट जितनी बार भी आता ना उतना कोई बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा अच्छा लगता है। मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे। अरे वाह कबूतर कबूतर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आज जब सुबह घर से निकले तब दो तीन जगह गए सब बंद था तो लग नहीं रहा था कि कुछ मिलेगा आज खुला हुआ कहीं घूम पाएंगे बट एटलीस्ट एक जगह तो मिली। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है क्योंकि सोचा बहुत कुछ था बट जहाँ जहाँ सोचा था सब कुछ बंद मिला तो लास्ट में बस ये जगह मिली खुली। ये है व्यू उसका। ब्रह्म सरोवर दिन में क्या हुआ कि गर्मी थोड़ी सी तो जल्दी घर आ गए थे तो अभी आप लोगों को लेके चलते हैं ब्रह्म सरोवर वहाँ आपको आरती दिखाते हैं आज। तो आइए वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है बिल्कुल पीछे है घर के तो दिखाते हैं आज आपको ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र का। तो गाइस हम पहुँच गए हैं ब्रह्म सरोवर। ये रही गुंजन। गुंजन से हाय। तो आपको व्यू दिखाता हूँ ब्रह्म सरोवर का। कल नहीं कल का कल हम लाइव थे कल हमने इसमें नहीं दिखाया। तो अभी यहाँ पे आरती होगी तकरीबन 15-20 मिनट के बाद तो आपको लाइव मतलब आरती शेयर करूँगा मैं। तो ये है हमारा कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर। हाँ हाँ कल यहाँ पे बहुत ज्यादा मछलियाँ थी रात को जब आए थे हम। तुम ये कैमरा पकड़ लो इसमें लाइव। और चलते हैं रोड पे। तो गाइस मैं सोच रहा था आपको आरती दिखाऊंगा बट यहाँ पे ही पता चला कि आरती लॉकडाउन की वजह से मतलब कोविड की वजह से नहीं हो रही है तो दुख हो गया। मैंने कहा यार आरती का सोचा था मैंने भी बहुत टाइम से देखी नहीं थी। यहाँ की आरती बहुत स्पेशल होती है। जो आरती का एरिया है वो ये है यहाँ पे आरती होती है वैसे नॉर्मल दिनों में तो चलो पॉसिबल नहीं है जो चीज़ कैसे कर सकते हैं अब हो ही नहीं रही। तो मैं तो बल्कि टाइम से पहले आ गया था मुझे था कि मिस ना हो जाए तो हम दिन में ही मतलब धूप थी बहुत ज़्यादा तभी निकल आए थे पर क्या कर सकते हैं। तो जब कुरुक्षेत्र आ रहा था मैं तो मैंने सोचा था बहुत सारे 3-4 व्लॉग बन जाएंगे मज़ा आएगा ये वो पर क्या हुआ यहाँ आके पता चला सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। इवन मैंने अब आपको आरती दिखानी थी आज की तो जब मुझे था कि ब्रह्म सरोवर ओपन है तो आरती तो खुली होगी तो पता चला आरती भी बंद है तो सब कुछ रह गया। आई होप गाइस आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी। एक्चुअली सोचा बहुत कुछ था हमने बहुत जगह सोची हुई थी यहाँ यहाँ जाना है जैसे कुरुक्षेत्र में जो मेन जगह है वो है पनोरमा कृष्ण संग्रहालय ज्योति सर कल्पना चावला प्लेनेटोरियम बट क्या हुआ कि कुछ नहीं हो पाया लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था। तो मैंने बहुत कुछ सोचा था यहाँ की वीडियो बनाएंगे वहाँ की वीडियो बनाएंगे
बट सिर्फ एक ब्रह्म सरोवर खुला था आज, और मुझे था कि मैं आपको आज शाम की यहाँ की आरती बहुत सुंदर होती है वो दिखाऊंगा, पर आरती भी लॉकडाउन की वजह से बंद है, क्योंकि आरती के टाइम एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा रश एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो शायद इस वजह से आरती इन्होंने क्लोज की हुई है। तो आई होप जो हो पाया, जो आपको दिखा पाया, वो आपको अच्छा लगा होगा। आपको हमने सारा सरोवर का व्यू दिखा दिया, सरोवर का व्यू दिखाया अच्छा। हाँ, सरोवर इस टाइम ना मजा आता है बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ से जाने का दिल नहीं करता अच्छा। सही में। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।